राम प्राचीन भारत में अवतार रूपी भगवान के रूप में माने जाते हैं। हिंदू धर्म में राम विष्णु भगवान के सातवें अवतार हैं। राम का जीवन काल एवं पराक्रम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य रामायण के रूप में वर्णित है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी उनके जीवन पर केंद्रित भक्तिभावपूर्ण सुप्रसिद्ध महाकाव्य श्री रामचरितमानस की रचना की। राम को पुरुषोत्तम शब्द से अलंकृत किया जाता है। राम का जन्म अयोध्या में हुआ। उनके माता पिता का नाम दशरथ व कौशल्या था। राम उनके सबसे बड़े पुत्र थे। राम की पत्नी का नाम सीता था, जो कि लक्ष्मी जी का अवतार है। राम जी के तीन भाई थे, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न। राम की प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में होती है। राम ने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, माता पिता, यहाँ तक कि अपनी पत्नी का भी साथ छोड़ दिया। राम रघुकुल में जन्मे थे, जिनकी परंपरा प्राण जाए पर वचन न जाए की थी। श्री राम के पिता दशरथ ने उनकी सौतेली माता कैकेयी को किन्हीं दो इच्छाओं को पूरा करने का वचन दिया था। कैकेयी ने दासी मंथरा के बहकावे में आकर इन वरों के रूप में राजा दशरथ से अपने पुत्र के लिए राजसिंहासन व राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता के वचन की रक्षा करने के लिए राम ने खुशी खुशी 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। पत्नी सीता ने भी एक आदर्श पत्नी का उदाहरण देते हुए पति के साथ वन में जाना उचित समझा। भाई लक्ष्मण ने भी राम के साथ 14 वर्ष वन में बिताए। भरत ने न्याय के लिए माता का आदेश ठुकराया। वह बड़े भाई राम के पास वन में जाकर उनकी चरण पादुका ले आया, फिर इसे ही राजगद्दी पर रखकर राजकाज किया। जब राम वनवासी थे तो उनकी पत्नी सीता को रावण हरण कर ले गया। हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। उन्होंने ही लंका दहन कर माता सीता का पता लगाया। समुद्र में उन्होंने पत्थरों पर राम लिखकर एक विशाल पुल बनाया। उन्होंने रावण से युद्ध किया, वह रावण को मारकर सीता को वापस ले आए। राम के अयोध्या लौटने पर भरत ने राज्य उन्हें सौंप दिया। राम न्यायप्रिय थे, उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया। उनके दो पुत्र थे, लव व कुश। हिंदू धर्म के कई त्यौहार जैसे दशहरा, रामनवमी व दीपावली राम जी के जीवन कथा से जुड़ी हुई है।